सोलन पुलिस लगातार नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कस रही है और नशे के अवैध कारोबारियों को लगातार सलाखों के पीछे पहुंचाने में जुटी है। आज भी पुलिस की मुस्तैद टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक पिकअप को कुरगल के समीप करीबन 1700 अवैध शराब की बोतलों के साथ रंगे हाथों पकड़ने में कामयाबी हासिल की। शराब तस्कर के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अधिक जानकारी देती हुई जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने कहा कि कुछ दिनों से उनकी टीम को कुरगल से शराब तस्करी को लेकर गुप्त सूचनाएं मिल रही थी, जिस पर उनकी टीम ने जाल बिछाया और करीबन अवैध शराब की 1700 बोतलें पकड़ने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले भी उनकी टीम ने 5400 बोतलें शराब की पकड़ी थी। अब पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि इतनी ज्यादा मात्रा में अवैध शराब को कहां से लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ उनका यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नशे के काले कारोबारियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सूत्रों की माने तो सोलन में लगातार इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब की खेप के मिलने से पुलिस के कान भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में तस्करी सरकारी तंत्र की मिलीभक्ति के साथ संभव नहीं है। इसीलिए पुलिस इस विषय पर भी अपनी तफ्तीश कर रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही कुछ बड़ी मछलियां भी पुलिस की गिरफ्त में आ सकती हैं। नशे के खिलाफ सोलन पुलिस की मुहिम तेज रफ्तार पकड़ चुकी है और इसमें सबसे देखने वाली बात यह है कि हमें कम्युनिटी का पूरा पार्टिसिपेशन मिल रहा है। लास्ट वीक जब एक ट्रक को चेकिंग किया गया सैरी के पास जो कंडाघाट क्षेत्र में पड़ती है, उसमें तकरीबन 450 बॉटल्स बॉक्सेस हमें इलिसिट लीकर मिला। उसी को कंटिन्यू करते हुए जब हमारे को एक इन्फॉर्मेशन आई कुरगल जो कंडाघाट में पड़ता है वहाँ पे कुछ पिकअप की मूवमेंट है, उसको चेक किया गया हमारी स्पेशल टीम ने लेट इवनिंग आवर्स में, तो हमें 140 इलिसिट इंग्लिश वाइन मिली और एक्साइज एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने कहाँ से लोड किया, ये कहाँ लेकर जा रहे थे और तमाम पहलू अब इन्वेस्टिगेशन के मुद्दे हैं और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।